नमस्कार रेल साथियों, मैं हूँ अक्षय सेख और स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पूर्व तट रेलवे संबलपुर मंडल में टेक्नीशियन 3 आर्टिसन के पद पर 25% QSQ के मुकाबले लेवल 2 के लिए 1900 ग्रेड पे में इसका एग्ज़ाम हुई थी, जो कि LDC JEE PWA से मिलता जुलता है। और यदि आप ADEN एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी वर्क्स से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को मिस ना करें, शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें मुंबई डिवीज़न में एक एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करें। 1/3 है और इसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी है, टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि JEE PWA से मिलता जुलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग विभाग का मंडल प्रमुख कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सीनियर DN को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेक्शन इंजीनियर वर्क्स सभी स्टेशनों की इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों पर खाली स्थान का रख रखाव करेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ख, पेटी मरम्मत पुस्तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलो रेल की फ्लेंज की चौड़ाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 150 mm। और 52 kg का मालूम ही होगा आप लोग को, उसका होता है 136 mm। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LWR ट्रैक में ठंड के मौसम के गश्ती दल के अधिकतम बीट सिंगल लाइन ट्रैक पर कितना किलोमीटर होना चाहिए? तो दोस्तों, 4 किलोमीटर होना चाहिए, घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, LPG द्वारा रेल की वेल्डिंग के लिए प्रीहीटिंग समय खाली स्थान मिनट है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 2.5 मिनट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर सीधे किनारे पर गेज फेस साइड पर तैयार वेल्ड के किनारे पर अधिकतम परिष्करण सहिष्णुता क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ±0.3 mm। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब पटरियों पर बंद रेल लगाई जाती है तो कितना किलोमीटर प्रति घंटे की गति का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेल डौली को ग्रेडियंट स्टी पर खाली स्थान पर काम नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 in 200। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री वक्र। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुभागीय GMT ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन इक्वल टू 30 के लिए 80 वेल्ड फ्लैंग टेस्ट की परीक्षण आवृत्ति वर्ष में बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर। 2 80 वेल्ड के बीच की दूरी कितना से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूप लाइन में न्यूनतम स्लीपर घनत्व या 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति का
साइडिंग खाली स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1540। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, चैनल स्लीपर की अधिकतम स्पष्ट दूरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 450 mm। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गैर संचारण प्रवण क्षेत्रों में ईआरसी स्नेहन की आवृत्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 4 वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब हम गैपलेस क्रॉसिंग जोड़ बनाते हैं तो रेल छेद का व्यास क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26.5 mm। आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, 15 का 26.5 mm। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेवल क्रॉसिंग में रेल अंतर की जांच करें, तो 51 से 57 mm, ऑप्शन घ सही है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस पेपर में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज दिया गया था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय रेल को किस तापमान पर गर्म किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा, 650 से 850 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, वेल्डिंग करते समय संपीड़ित वायु पेट्रोल तकनीक का उपयोग करते समय प्री हीटिंग समय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 से 5.5 मिनट, यानी बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 मीटर सीधे किनारे के लिए वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर सहिष्णुता क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए +1 mm। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दृश्यता अस्पष्ट नहीं होने पर कार्य की सुरक्षा बीजी पर 3 डिटोनेटर लगाकर की जाती है, तो दोस्तों अगर सामने जो दिखाई देने वाला दृश्य है अस्पष्ट नहीं है तो कार्य की सुरक्षा जो है 3 डिटोनेटर लगाकर 1200 मीटर की दूरी पर जो है इसका सेफ्टी किया जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारी रेल सामग्री जैसे स्लीपर रेल गर्डर आदि किसके द्वारा ढोया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डीप लॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं, सीएमएस क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग H3 इलेक्ट्रोड। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीएमएस क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के बाद दरार की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, टर्न आउट नवीकरण के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ T28। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट का मानक बैग कितना होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 kg। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंक्रीट की व्यवहारिकता और स्थिरता को किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं, हनीकॉम्ब एक प्रकार का दोष है जो आम तौर पर किसमें मौजूद होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंक्रीट संरचना। 28 नंबर क्वेश्चन, HSFG बोल्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप्स बोल्ट्स। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमर कोट और पहले परिष्करण कोट के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड रिवेटिंग के लिए यदि रिवेट का व्यास 20 mm है तो छेद का व्यास क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21.5 mm। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
दिलचस्प कार्य के लिए वायु दाब को किस स्थान पर बनाए रखा जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिवेटेड जोड़ की विफलता का तरीका क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 33, DPT किस प्रकार का वेल टेस्ट है? तो दोस्तों डाई पेनेट्रल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। स्टील ब्रिज गर्डर के लिए खाली स्थान धातुकरण किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ता। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुल क्यूब संरचना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्डर या स्लैब बाकी है, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुलों में प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील गर्डर। इसके बाद 37, SNT विभाग के साथ बिंदु और क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण खाली स्थान में SSC PWA इंचार्ज और JEE SSC PWA सेक्शनल द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जाना है? तो 3 महीने में रोटेशन से किया जाएगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई गेज किसमें प्रदान किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, RUB। इसके बाद 39, लेवल क्रॉसिंग पर बैनर ध्वज चेक रेल के अंत से कितना मीटर की दूरी पर तय किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन का, 5 मीटर। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस मामले के दौरान गेटमैन को स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए लेकिन चिल्लाने या अन्य साधनों से चालक और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेन पार्टिंग। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टील प्लेटों में डी ब्यास के रिवेट्स की न्यूनतम पिच क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2.5D। 42 नंबर क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक में SEJ का फुल फॉर्म? तो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, यानी स्विच विस्तार संयुक्त, ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टील गर्डर पुलों में संक्षारण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग द्वारा सुरक्षात्मक कोटिंग्स। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिबाउंड हथौड़ा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट की ताकत ज्ञात करना। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, DPC क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डैम प्रूफ कोर्स। 46 नंबर क्वेश्चन, तापमान कम होने पर रेल में खाली स्थान होगा? तो दोस्तों संकुचन होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंक्रीट का इलाज सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम अस्थायित्व और न्यूनतम क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं, एक पुल पर गार्ड रेल और चलती रेल के बीच निकासी कितना mm होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क, 250 प्लस माइनस 50 mm। 49 नंबर, प्लेटफॉर्म लाइनों की दूरी के टुकड़े हर खाली स्थान पर प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क, 30 मीटर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भंडारण के बाद सीमेंट का ताकत? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाता है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेम्पर का उपयोग कोट करने के लिए खाली स्थान किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन क, बाहरी कंक्रीट सतह। 52 नंबर क्वेश्चन, संपार पर मानक स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कितना mm होनी चाहिए? तो 125 mm। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुलों में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील गर्डर। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंट की मोटाई।
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ग मीटर में। 56 नंबर क्वेश्चन, आरसीसी कार्य के सुदृढ़ीकरण को किसमें मापा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक साबित हो सकती है। इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।